इंडिजिनस आधार भारत का सपना देखा था। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प किया था। इस देश को गांधी जी के सिद्धांतों की जरूरत है जो लोग भूल गए हैं। चलो हम गांधी जी के बारे में लोगों को बताएं जो ये भूल गए हैं। नाटक खत्म होते ही सीधा घर आ जाना।
नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आए। इस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वे सत्य के खातिर किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी थे। उन्होंने सत्य के लिए अपना परिवार और राज्य का बलिदान दिया था। यह नाटक बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उनकी तरह सत्यमय जीवन जीना चाहिए। ये तो असंभव है मोहन। क्यों असंभव? क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना कठिन है। पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हम अपना जीवन सत्यमय कर सकते हैं। आज इसी क्षण से मैं सिर्फ सत्य के राह पर चलूंगा। मोहन, ये इतना आसान नहीं है। चलो देखते हैं। और उस दिन से मोहन ने सत्यमय जीवन बिताना शुरू किया। बड़ा होकर उसने अपना जीवन सत्य के लिए दांव पर लगाया। सत्य और साहस ने उसे जीवन के अत्यंत कठिन परीक्षा में सफल बनाया, जिसे देखकर सारा संसार चकित रह गया। हिंदा से देखा जाता था और उन्हें कुली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे और बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। लेकिन ये कोच सिर्फ गोरों के लिए है, तुम यहाँ से निकलो वरना मुझे स्टेशन मास्टर कब कंप्लेन करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट और मुझे यहाँ बैठने का पूरा। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस कुली को उठा निकालो और उसको तीसरे दर से हटा दो। गांधी जी ने उनसे बहस करने की कोशिश की पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर धकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्य के हथियार का प्रयोग किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह का नाम दिया गया। मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिलवा देगी।
तुम्हारी माँ ठीक है, पर वो मेरे लिए कितने कुर्ते सिलवाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं ये अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है बेटा। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिलवाएगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे ये एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य सारे देशवासी।